27 जुलाई शाम को करीब 6:45 पर दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र में अचानक काफी तेज बारिश होने लगती है। दिल्ली के रॉ आईएएस स्टडी सेंटर के बेसमेंट के लाइब्रेरी में करीब 20 से 25 स्टूडेंट रोज की तरह ही पढ़ाई कर रहे थे और शाम के करीब 7 बजे बारिश देखकर घर जाने के बजाय बेसमेंट के लाइब्रेरी में ही पढ़ाई करने लगते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की श्रेया यादव, केरल की निविन दलवीन और तेलंगाना की तान्या सोनी भी शामिल थे। लेकिन उन्हें क्या पता अगले पल ही मृत्यु उनका इंतजार कर रही है। बारिश के वजह से रास्ते में जमा पानी अचानक ही उस बेसमेंट में आ जाता है, जिससे कुछ छात्र तो निकल जाते हैं लेकिन इन तीनों छात्र की जान चली जाती है। कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में बारिश के बाद पानी भरने से 3 छात्रों की घटना। दिल्ली किल्स अगेन 3 आईएएस एस्पिरेंट्स ड्राउन्ड इन फ्लडेड बेसमेंट। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसमें गलती किसकी है? क्या उन छात्रों की जो अपने आंखों में सपने पिरोए चले आते हैं इन बड़े शहरों के गलियों में, या उन कोचिंग माफियाओं की जो बच्चे से तो महंगी रकम में फीस ले लेते हैं लेकिन उन्हें सुविधाएं क्या देते हैं पता नहीं। साथ ही उन छात्रों की मौत की असली वजह क्या है और इसमें आखिर किसकी गलती है, चलिए जानते हैं। भारत जहां 68,118 रजिस्टर्ड कोचिंग संस्थाएं चल रहे हैं, इनमें हर साल करीब 3 लाख छात्र से भी ज्यादा कोचिंग लेते हैं। देश में अनरजिस्टर्ड कितने चल रहे हैं उसका तो पता ही नहीं। एक अनुमान के अनुसार भारत में ये कोचिंग वाले 58,000 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई साल में करते हैं। वही यह अमाउंट 4 साल में 1,33,000 करोड़ हो जाने की भी संभावना है और इन सब का मुख्य कारण है लोगों को ज्यादा से ज्यादा सरकारी नौकरी चाहिए। इस भयंकर हादसे में जान गंवाने वाले तीनों विद्यार्थी श्रेया यादव, तान्या सोनी, नेविन डेलविन अपने अपने राज्यों से बस इस उम्मीद से आए थे कि वो कोचिंग लेकर यूपीएससी की कठिन परीक्षा पास करके आईएएस बनेंगे, लेकिन इन सिस्टम की लापरवाही ने उनके सपनों पर पहले ही गंदा पानी फेर दिया। आश्चर्य की बात तो यह है कि दिल्ली के राजेंद्र नगर में जिस रॉ कोचिंग सेंटर में यह सब हुआ उसे देश का पहला कोचिंग सेंटर माना जाता है, जिसकी स्थापना 1953 में राजनीति विज्ञान कोचिंग के रूप में कर्नाट पैलेस में की थी। बाद में यहाँ यूपीएससी परीक्षा की तैयारी शुरू हो गई। ये संस्था खुद दावा करती है कि 2024 में यूपीएससी में सफल हुए छात्रों में से 281 छात्र रॉ आईएएस स्टडी सर्कल के ही थे। शायद यही वो कारण है कि बच्चे इस कोचिंग के बेसमेंट में ही पढ़ने को तैयार थे। साथ ही इस घटना से रिलेटेड इस एसयूवी चालक को भी बताया जा रहा है जो इस भरे रोड में गाड़ी चला रहा था, क्योंकि इस कार के वजह से ही कोचिंग का गेट टूटा और पानी अचानक से बहुत तेजी से बेसमेंट में भरने लगा, जिससे कोचिंग का गेट भी नहीं ओपन हुआ। महज 2 से 3 मिनट में ही 10 से 12 फीट पानी भर गया। ऐसे में स्टूडेंट बेंच पर तो खड़े हो गए, स्टूडेंट को बचाने के लिए रस्सियां भी फेंकी गईं, लेकिन पानी इतना गंदा था कि पानी में रस्सी दिखाई ही नहीं दिया। वहां के स्थानीय लोगों ने यहां के खराब नालों के बारे में एमसीडी को भी शिकायत की थी, लेकिन एमसीडी ने इसका कोई जवाब ही नहीं दिया। और तो और जब ये कोचिंग वाले बिल्डिंग के कार पार्किंग एरिया में लाइब्रेरी चला रहे थे तब भी एमसीडी वालों ने इन पर कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि हमारा देश ही ऐसा है, यहाँ पर बड़े बड़े लोग और भ्रष्ट नेताओं का कोई कुछ कर ही नहीं सकता। आज वो जेल जाएंगे जरूर, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो आजाद घूमते हुए मिलेंगे। और हमारे देश में नेताओं का क्या, वो तो सत्ता में आते ही इसलिए हैं ताकि वो पावर मिल सके, और उन्हें विकास और रोजगार का नाम तो दूर दूर तक नहीं सुनाई पड़ता है। और दोस्तों, ऐसे वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ही दबा दो, ताकि मैं जब भी ऐसा वीडियो बनाऊँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए।